का ब्यौरा और लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। कैबिनेट में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी उस कैबिनेट का हिस्सा थे, और दूसरी बार यूरिन माफी का काम किया गया वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अनुभवी नेतृत्व में किया गया। आदरणीय साथियों, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि जो ऋण माफी है, ये ऋण माफी का जो दायरा है, इसका स्वरूप है, इसका जो आकार है वह बहुत बड़ा था, और इसीलिए इसको हमारी सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने का निर्णय और फैसला लिया। सरकार बनने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ऋण माफी के वचन को पूरा करने की दिशा में आदरणीय साथियों कदम उठाए, और अभी तक हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों को ऋण मुक्ति का लाभ देने का काम किया, 7,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारी सरकार ने माफ करने का काम किया, और ये पहली ऐसी ऋण माफी योजना है जहां पर हमारी सरकार ने उन तमाम किसान साथियों, चाहे उसने राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिया हो, चाहे उसने सरकारी बैंकों से ऋण लिया हो, चाहे उसने ग्रामीण बैंकों से ऋण लिया हो, चाहे उसका खाता चालू हो, डिफॉल्टर हो, चाहे वो कालातीत, ऐसे तमाम किसान साथियों को इस योजना के दायरे में ला करके उनको ऋण मुक्ति का लाभ देने का काम आदरणीय साथियों किया है। प्रथम चरण में हमारी सरकार ने जो किसान साथी जिनका 2 लाख रुपए तक का एनपीए था उनको इस ऋण माफी का लाभ देने का काम किया। 50,000 रुपए तक के जो चालू खाते के किसान साथी थे, उन चालू किसान साथियों का खाता था, उनको हमने लाभ देने का काम किया, और अब शीघ्र ही हमारी लगभग तैयारियां पूर्ण रूप पूरी होने जा रही हैं, और द्वितीय चरण है, उस द्वितीय चरण में लगभग 12 लाख से अधिक किसानों को हम इस ऋण माफी का लाभ देने जा रहे हैं, और वो किसान साथी जिन्होंने सरकारी बैंकों से ऋण लिया हो, जिन्होंने ग्रामीण बैंकों से ऋण लिया है, उनका पूरा 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम आदरणीय साथी हमारी सरकार करने जा रही है। पहली ऐसे ऋण माफी की योजना है, पहले ऐसे ऋण माफी का कार्यक्रम है जहां पर हमारी सरकार ने उन किसान साथियों को भी सम्मानित करने का काम किया जिन्होंने जो ईमानदारी से अपने ऋण की अदायगी करने का काम करते हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने किया। ये पहली ऐसी ऋण माफी योजना है जहां पर लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे किसान साथी हैं जिनके लिए बैंकों के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद हो चुके थे, उनको भी ऋण माफी का लाभ देकर के उनको भी हमने उनके लिए बैंकों के दरवाजे जो है उनको दोबारा ऋण की प्रक्रिया में शामिल करने का काम आदरणीय साथियों ऋण माफी की योजना से आदरणीय साथियों ने किया है। आदरणीय साथियों, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके ये सोच है, उनका यह सपना है, उनका यह संकल्प है कि हम हमारे किसान साथियों को कि लागत मूल्य कैसे कम हो, उसको उसकी जो उपज है उसकी उपज का सही दाम कैसे मिले, इस दिशा में भी सरकार जो है बड़ी तेजी से आदरणीय साथियों काम कर रही है। सरकार बनने के बाद हमने हमारे किसान साथी उनके जो बिजली का बिल था उस बिजली के बिल को आधा करने का काम किया, और मध्य प्रदेश में लगभग 19 लाख से अधिक किसानों को जो है उसका लाभ देने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने किया है। हमारे किसान साथियों को जो खेती में उपयोग आने वाले जो यंत्र हैं उन यंत्रों पर जो सब्सिडी पूर्व में जो मात्र नाम मात्र मिलती थी उस सब्सिडी की राशि को भी जो हमने बढ़ा करके लगभग 50% करने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने करा है। हमारे किसान साथियों को उसकी फसल का उचित मूल्य कैसे मिले, उचित दाम कैसे मिले, इसके लिए भी हमने विभिन्न जो है प्रोत्साहन योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, और उसके तहत हमने जय किसान समृद्धि योजना के माध्यम से हमारे जो गेहूं उत्पादक किसान साथी हैं उन गेहूं उत्पादक किसान साथियों को 160 रुपये बोनस देने का प्रावधान भी जो है हमारी सरकार ने किया है, और उसके लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी आदरणीय साथियों हमारी सरकार ने करा है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की एक और सोच है और एक और उनका ये प्रयास है कि हमारे प्रदेश को हम कैसे जैविक खेती की तरफ ले जाएं, गो आधारित खेती की तरफ हम इसको कैसे ले जाएं, और इसीलिए सरकार बनने के बाद हमने मध्य प्रदेश में हमारी जो गौ माता है उन गौ माताओं की सेवा करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000
गौशालाओं के निर्माण का कार्य जो है प्रगतिरत है, और आने वाले 5 सालों में हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का काम जो आदरणीय साथियों हम लोग करने जा रहे हैं। एक मिनट, इसी से जुड़ा हुआ है ये, वो आधारित खेती की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसी से जुड़ा हुआ है ये। इसके पीछे जो हमारी सोच है उस सोच के अनुसार जो है, क्योंकि हम कृषि को, मध्य प्रदेश को जैविक खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं और गो आधारित खेती की तरफ लोगों को, हमारे किसान साथियों को प्रेरित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने जो है ये गौशाला का जो विषय है, ये जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका उल्लेख जो है मैंने अपने अपनी बातों में किया है। आदरणीय साथियों, इसके अलावा भी जो है हमारी सरकार ने हमारे जो मंडियां हैं, हमारी मंडियों में जो किसान साथी हमारी अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं, उनको हम कैसे सर्व सुविधा युक्त कर सकें, कैसे एक ही प्रांगण में उनको तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाएं कैसे मिले, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। और एक जो मॉडर्न मंडी का, आदर्श मंडी का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस दिशा में हमारा विभाग जो है बड़ी तेजी से काम कर रहा है। अब एक ही प्रांगण में हमारे किसान साथियों को उसकी फसल का उचित दाम भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके जो है उसको कैसे, जो नई तकनीकें जो इस क्षेत्र में आ रही हैं उसका उपयोग करके कैसे उसके उस प्रक्रिया को सरल बना सके, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रेडिंग की व्यवस्था हो, सॉर्टिंग की व्यवस्था, कलर सॉर्टेज की व्यवस्था हो, वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, इस दिशा में हम लोग जो है आदरणीय साथियों बड़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय साथियों, आप सब लोग ये जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो अतिवर्षा के कारण जो है हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों में हमारे जो किसान साथी प्रभावित हुए हैं, लगभग 55 लाख किसान और लगभग 60 लाख हेक्टेयर जो है हमारे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है इस पूरी स्थिति पर वो पूरे समय नजर रखे हुए थे, और उन्होंने प्रदेश के, उन्होंने प्रदेश की हक की जो राशि है वो मांगने के लिए जो है वो देश के प्रधानमंत्री से जाकर के मिले, गृह मंत्री से जाकर के मिले। उनके अनुरोध पर यहाँ पर दो बार जो है यहाँ पर केंद्र का दल आया, स्वयं उसने जो है पूरी स्थिति का जायजा लिया, और उनके लगातार अनुरोध करने के बावजूद भी आज दिनांक तक जो है जो राशि हमने लगभग 6,600 करोड़ रुपए की जो राशि हमने मांगी थी वो राशि जो है आज दिनांक तक हमको नहीं मिल पाई। और एक तरफ जो है जहाँ पर कर्नाटका और बिहार जैसे प्रदेशों को राशि जो है केंद्र सरकार ने राशि रिलीज करी है, वहाँ आज भी जो है मध्य प्रदेश अपनी उस राशि का जो है इंतजार कर रहा है अपने साथियों। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों एक और जो है निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है, हमारी ये प्रयास था कि हम हमारे जो किसान साथी जिनकी फसलें प्रभावित हुई हैं उनको प्रधानमंत्री फसल बीमे का लाभ हम उनको दे सकें, और उसके लिए हमने लगभग 509 करोड़ रुपए जो है अपने राज्य अंश जो है केंद्र सरकार को जो है दे दिया। लेकिन जब राज्यांश लेने के बाद जो है केंद्र सरकार ने, पूर्व की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने जो 2300 करोड़ रुपए जो उनको देने थे वो जो नहीं दिए, उसकी मांग अब करके अब ये कह रहे हैं कि जब तक वो राशि आप नहीं देंगे हम जो है ये इस वर्ष का जो केंद्र अंश है वो केंद्र अंश रिलीज नहीं करेंगे। तो एक जो माध्यम, एक रास्ता हमारे पास जो बचा हुआ था जिसके माध्यम से हम हमारे किसान साथियों को इस संकट से जो है बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़ंगा डालने का काम जो है केंद्र की सरकार ने किया है। आप सब जानते हैं कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो एक फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा हमारे देश में बना हुआ है, और कोई भी सरकार आए उसको इस फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप जो है काम करना चाहिए। लेकिन अभी तक देखने में आया है कि इसके ठीक विपरीत जो है निर्णय और फैसले और काम किए जा रहे हैं, और लगातार हमारे प्रदेश सरकार
कि जो हक की राशि है उस हक की राशि को जो है अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है। भावांतर योजना का जो पूर्व का हमारा पैसा है लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए था, वो पैसा भी जो है आज दिनांक तक जो है आदरणीय साथी हमको नहीं मिल पाया है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी ये सारी जो भेदभाव स्वतः व्यवहार जो है आज मध्य प्रदेश ने चूंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ये सारे सब काम किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी सरकार चूंकि ये सरकार जो है किसानों की सरकार, किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है और इसलिए ये सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी चुनौतीपूर्ण माहौल होने